ऑपरेटिंग असेट हैं उनकी बिडिंग प्रोसेस काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, और जो बिड इनिशियल बिड्स आए हैं उस बहुत अच्छे रिकवरी की संभावना है, और हम लोग की आशा है कि इस वर्ष हमें राइट बैक 2000-3000 करोड़ का राइट बैक मिलेगा इन स्ट्रेस असेट के रिजोल्यूशन से। तो एक तरफ तो स्ट्रेच एसेट से रिजोल्यूशन हो रहा है, दूसरी तरफ कंपनी की लोन बुक में रफ्तार पाई जा रही है। अगर हम लास्ट के कुछ क्वार्टर्स की फाइनेंशियल की बात करें, ओवरऑल क्या हम एक्सपेक्ट करें कि इस साल जो बॉटम लाइन होगा वो पिछले साल से बेहतर होगा? जरूर, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा असेट एंड मैनेजमेंट में लगभग 17% का ग्रोथ है, उसी तरह हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें 20% ज़्यादा ग्रोथ है, तो ये हमारे बॉटम लाइन में 20% की कम से कम हम लोग वृद्धि का अनुमान रख रहे हैं। और अगला सवाल जाहिर सी बात आ जाता है वो डिविडेंड को लेके। जब कंपनी इस तरीके का मुनाफा कमा रही है तो शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन तो रहता है कि डिविडेंड तो यहां से बहुत काफी ज्यादा मिलता है, तो वो मिलता रहेगा इस साल और बेहतर हो सकता है? डेफिनेटली डिविडेंड तो ज़्यादा ही मिलेगा पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष हमने 16 रुपये प्रति 10 रुपये शेयर पे दिया था, इस वर्ष भी हम इस बार डिविडेंड ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एज पर भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें हमें 5% ऑफ नेटवर्थ या फिर 30% ऑफ पैट, जो जो ज़्यादा होता है उसे हमें देने के लिए कटिबद्ध हैं। तो हमारा पिछले 2-3 सालों में 30% जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ज़्यादा राशि रहती है, तो हम उसको देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और निश्चित तौर पे इस वर्ष का डिविडेंड पिछले वर्ष से बेहतर होगा। अब ये नेट प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे, इस पर बात कर लेते हैं। आपका एक फोकस एरिया है रिन्यूएबल, जो कि आपने जब से कार्यभार संभाला है इस पे फोकस और तेजी से और मैं बोलूं पैनी नजर बनाई हुई है इस पे। आपका 2030 तक का एक प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी, इसका उसके बारे में एलाबोरेट करेंगे? जी, अभी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो लगभग 8% हमारे टोटल असेट एंड मैनेजमेंट का। हमने पिछले 2 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से अपना लोन पोर्टफोलियो बढ़ाया है रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में। हम लोग पूरा एंटायर वैल्यू चेन, चाहे वो सोलर का प्रोजेक्ट हो, विंड प्रोजेक्ट हो, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग हो, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग हो, अथवा सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट हो, स्टोरेज सॉल्यूशन हो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज हो, अथवा पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन उन प्रोजेक्ट को भी हम फाइनेंस कर रहे हैं। नए टेक्नोलॉजी एरिया जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, उनको भी हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो हमारा अनुमान है कि चूँकि भारत सरकार ने कमिटमेंट दिया है कि 500 गीगावाट कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन का।